के लेसन में हम लोग करेंगे जरा जरा का लीड। इसका रिक्वेस्ट मुझे काफी दिनों से आ रहा था, काफी अच्छा गाना है, काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका लीड इसमें। तो इसमें काफी सारे स्लाइड्स हम करेंगे एंड हैमर ऑन भी करेंगे, जिससे आपका लीड काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो अगर आपको इसका रिटर्न में टैप्स चाहिए, मैंने एक वेबसाइट पे प्रोवाइड किया हुआ है echostar.com, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड वहाँ पे आप टैप्स को प्ले करके उसका टाइमिंग भी सुन सकते हो, जिससे आपको उसको सीखने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आज का लेसन अभी स्टार्ट करेंगे। अगर ये लेसन आपको हेल्प करा, जल्द इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं अपना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। पार्ट बाय पार्ट करके आपको बता दूंगा, ताकि आप इसको आराम से सीख सको। ये गाना आपका है सी शार्प माइनर स्केल पे। एंड स्टार्टिंग में मैंने जो बैकिंग ट्रैक के साथ बजाया है, वो मैंने खुद बनाया है। मैंने एक 70 BPM का यूज किया ड्रम लूप्स का, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, जिसको हम लोग अंतरा से स्टार्ट करेंगे। तो काफी इजी आपका स्टार्ट हो रहा है, थर्ड स्ट्रिंग से आप टैप्स देख सकते हो। मेन आप ध्यान रखिए जो स्लाइड्स हो रहा है उसका, काफी अच्छा लगता है सुनने में। तो फ्लो में कैसा गया ये? देन इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट पार्ट जहां पे एंड हुआ, सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होगा आपका, फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे स्लाइड, देन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेकंड स्लाइड बैक, I can pick then 3-4-3, then third string 5. तो दोनों parts आपके एक साथ ऐसे लगेंगे। तो इसका next part देख लेते हैं अभी। तो अब ऐसे ही करके part by part इसको practice करना, then सबको join करके एक flow में बजा सकते हो। Then इसका next part भी आपका second string first fret से start होता है। काफी इजी आप टैप्स देख सकते हो, अभी मैं इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं, काफी लंबा हो जाएगा लेसन। आप टैप्स फॉलो करना एंड आप एक बार गाने को सुन लेना, आपको टाइमिंग समझ में आ जाएगा। ये आपका कैसे स्टार्ट हुआ, देन लिटिल फिंगर से स्लाइड 6-8, देन आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्दी की रातों में, उसका टैप्स देख लेते हैं। तो ये पार्ट में काफी अच्छा स्लाइड्स हो रहा है आपका, लाइक दिस। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम लोग स्लाइड के थर्ड से लेके 7 तक, देन आप अगेन स्लाइड बैक टू थर्ड लाइक दिस, देन सॉरी थर्ड से लेके 8 तक स्लाइड था, देन थर्ड से लेके 10। तो आप आराम से स्लाइड कीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचना मत कि आपका फिंगर कट जाएगा, आप आराम से इसको स्लाइड करना, काफी अच्छा लगेगा। देन स्लाइड अप टू 11, तब टैप्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा टाइमिंग। तो यहां पे हम स्लाइड कर रहे हैं, देन इसके नेक्स्ट लाइन में भी स्लाइड्स होगा, हम दोनों तन्हा हो, ऑलमोस्ट सेम ही यहां पर स्टार्ट हुआ थर्ड से फिर से अप टू 8, देन अभी 6 तक स्लाइड करेंगे, देन फर्स्ट पे ले जाएंगे लाइक दिस, देन देन आपका कोरस पार्ट स्टार्ट होता है जरा जरा। तो इसको फिर से देखते हैं एक बार, तो ये पार्ट क्या हो रहा है आपका, सेकंड स्ट्रिंग से स्लाइड हो रहा है 4-6, देन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन आपका कोरस पार्ट। तो इसका टैप्स देख लेते हैं अभी। तो ये पार्ट काफी इजी आपका स्टार्ट होगा, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से आप टैप्स देख लो, मैं स्लोली प्ले करता हूं।
then एक quick slide करेंगे, third, sixth, then थोड़ा सो practice कीजिए, एक pick कीजिए, slide आगे, then थोड़ा back लेके वापस आगे लेके आएंगे, like this. आपको 8 तक जाना है, then यहाँ तक same है, then आप change होगा. तो काफी easy था ये part, तो ये दोनों parts को एक flow में देख लेते हैं अभी. देन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी. देन इसका नेक्स्ट पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे इसका प्रीवियस पार्ट एंड हुआ था, दैट इज थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट. सो स्लाइड करेंगे अप टू 5, देन इसको काफी इजी है, देन स्लाइड करेंगे. तो फ्लो में ये पार्ट आपको कैसा लगेगा? तो आप ध्यान रखें यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को शिफ्ट करने के लिए, जो ये पार्ट आ रहा है आपका रिंग फिंगर आ रहा है, उसको नेक्स्ट पार्ट में इंडेक्स फिंगर ले आइए, देन स्लाइड रिपीट. स्लाइड इसके बाद इसका जो मेन थीम है फ्लूट में वो स्टार्ट होता है. तो चलिए इसका टैब्स देख लेते हैं अभी. देन इसका फ्लूट वाला पार्ट आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से. मैं स्लोली प्ले करता हूं, आप टैब्स देख लो. वापस देखते हैं एक फ्लू में. तो सेकंड पार्ट भी इसका पूरा सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा, पर इसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में 3 नोट्स एक्स्ट्रा प्ले करेंगे लाइक दिस. तो नोट्स क्या था? ये नोट, ठीक है, लाइक दिस. देन जो चेंज होगा वो होगा लाइक दिस. तो आपका स्टार्ट होगा थर्ड स्ट्रिंग पे स्लाइड करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग बैक लेके हैमर एंड पुल ऑफ आगे लाएंगे, देन अगेन आगे, देन ये नोट. तो एक फ्लो में कैसा गया ये? देन इसको एंड करेंगे लाइक दिस, थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे एंड की ओर, ताकि काफी अच्छा लगे आपको गिटार पे इसको एंड करने के लिए. तो कैसा स्टार्ट हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रिंग 8 फ्रेट? तब टैब फॉलो कर लेना, हैमर ऑन देन बैक देन यहां पे. तो यही था इसका लेसन, एंड आई होप ये आपको अभी समझ में आ रहा है. मैंने काफी इजी तरीके से आपको समझाया है ब्रेक करके. आप ऐसे इसको पार्ट बाय पार्ट प्रैक्टिस करना, देन सबको ज्वाइन करके एक साथ प्ले करना. तो बैकिंग ट्रैक का अगर बात है, तो कोई बैकिंग ट्रैक इसका है ही नहीं. मैंने बस यूट्यूब से एक ड्रम लूप डाउनलोड किया, उसके साथ ही स्ट्रमिंग करके प्ले कर लिया. तो आप कोई भी बीपीएम का यूज कर सकते हो, मैं 70 BPM का यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने जो ड्रम लूप यूज किया उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो आज का लेसन यहीं पर रखते हैं. अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.